चौदह थाना के अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल चोरल डैम पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। वारदात में युवक के साथ आई युवती ने ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। ग्रामीण SP हिकिता वासल ने बताया कि रुद्रांशु मिश्रा निवासी इंदौर की अपनी स्विफ्ट कार से दोस्त आलिया शेख के साथ मंगलवार रात 2 बजे चोरल डैम घूमने आए थे। इस दौरान रात 3 बजे करीब 4 बदमाशों द्वारा पीछे से रुद्रांश पर हमला कर दिया और आलिया को भी थप्पड़ मारे और युवक रुद्रांश को देशी कट्टा दिखाकर बोला, तू यहां से भाग जा नहीं तो मुझे मार देंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा 3 टीम बनाई गई और घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों और चोरल रिसोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पूरे मामले में पुलिस ने रुद्रांश के साथ आई युवती आलिया शेख की भूमिका संदिग्ध पाई गई। युवती आलिया ने अपने बॉयफ्रेंड मिशप्रीत सिंह उर्फ स्मार्टी पिता हेमेंद्र संधू के साथ मिलकर ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। रुद्रांश को प्लानिंग के साथ चोरल डैम पर रात में बुलाया था और 2 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रुद्रांश के साथ मारपीट की गई और उसके गले से करीब 5 तोले की सोने की चैन, सोने की अंगूठी और एक महंगी घड़ी लूट के साथ ही घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आलिया शेख को भी आरोपी बनाया है। पूछताछ में आलिया ने बताया कि रुद्रांश और उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, तभी इनका मिलने का प्लान बना और उन्होंने इस प्रकार घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने घटना में लूटे गए सभी सामान को जब्त कर लिया है, जिसमें एक 20 लाख रुपए कीमत की ऑडी कार भी है। लूट की घटना को अंजाम देने में आरोपी मिशप्रीत सिंह उर्फ स्मार्टी पिता हेमेंद्र संधू निवासी इंदौर, संजय डाबर पिता मान सिंह डाबर निवासी बड़ी जाम महू, विशाल डाबर पिता दयाराम डाबर निवासी बड़ी जाम महू, आदित्य पिता राकेश पराशा निवासी सुदामा नगर इंदौर और आलिया शेख पिता मसरूर हसन गुलजार कॉलोनी मानिक बाग इंदौर है। आलिया इंदौर में LLB की पढ़ाई कर रही है तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड मिशप्रीत रिसोर्ट चलाता है। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस के पास सूचना आई थी कि चोरल डैम के पास एक युवक युवती के साथ एक लूट का मामला हुआ है, जिसमें जो युवक है उसको गंभीर चोटें भी आई हैं और उसके साथ उसकी फोन चेन एवं घड़ी स्नैच की गई है, जिससे पुलिस ने बहुत गंभीरता से पूरे मामले को देखा और इसमें जो तथ्य सामने आए वो ये आए कि जो युवती के साथ लूट होना भी बताया गया था, युवती इसमें खुद इन्वॉल्व थी और युवती ने अपने 4 साथियों के साथ ये प्लानिंग की थी पूरी घटना की और ये पूरी घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया। इसमें टोटल जो आरोपी हैं वो 5 हैं और सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है पूरी घटना का और पूरी की पूरी जो सामग्री है उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। टोटल रिकवरी इसमें की गई है एवं जो पिस्टल यूज की गई थी आरोपियों के द्वारा विक्टिम को डराने के लिए वो भी इसमें बरामद की गई है।